हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जसपाल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पढ़ा लिखा किसान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट में पूछा था कि दो भैंसों से हम स्टार्ट करें तो कितना क्या खर्चा आएगा, कितनी क्या कमाई है, तो उसी से रिलेटेड हम वीडियो में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप वीडियो पूरा देखें ताकि हम आपको हर चीज़ बारीकी से समझा सकें। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि दो भैंसों पर आपको कितना खर्चा आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बाद कितनी कमाई होगी महीने की, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों, बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे अधिक से अधिक प्यार दिखाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, हम जो आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं वो 100% सत्य होता है और प्रैक्टिकल होता है। तब जो हम निजी तौर पर अनुभव करते हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप भैंस लेने जाएंगे तो लगभग जब स्टार्ट करें आप तो लगभग 5 से 6 लीटर दूध वाली भैंस लाएं स्टार्टिंग में। तो आपको लगभग दो भैंस से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको दो भैंस लानी पड़ेगी 5 से 6 लीटर दूध वाली। तो लगभग आप 5 लीटर वाली मानो तो आपको 80,000 के बजट में वो 5 लीटर वाली एक भैंस पड़ेगी। तो 80-80 की अगर दो लाते हैं तो 1,60,000 रुपये आपका बन रहा है भैंस लाने पर, भैंस का जो इन्वेस्टमेंट है आपको। तो आपको ये प्राथमिकता देनी है दोस्तों कि नीचे जो हो फीमेल काफ हो, पाड़ी हो या कटड़ी हो। कटड़ा जो आपके डेयरी फार्म को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कटड़ा लाएंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा आप कटड़ी लाएं या फीमेल काफ लाएं, ताकि आपका जो आगे का स्टेप है वो शुरू से ही बेस तैयार होता रहे आपका। तो दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप मान लो आपका बजट हो गया 1,60,000, इसका इन्वेस्टमेंट हो गया भैंसों का। उसके बाद आपको शेड तैयार करना पड़ेगा। तो लगभग कम से कम कीमत जो शेड में आप बनाएंगे, जो चद्दर डालेंगे, टीन शेड डालेंगे, फिर उसकी बाउंड्री करेंगे, तो लगभग 50,000 रुपये आपको शेड का खर्चा होगा। तो ये हो गया आपका 2,10,000। तो दोस्तों, 2,10,000 में आपका फार्म भी तैयार हो गया, उसके बाद दो भैंस भी आ गई। अब होती है दोस्तों बात कि भैंस कितना आपको महीने का कमा के देगी। तो दोस्तों, अगर 5-5 लीटर दोनों भैंस दे रही है आपका दूध तो 10 लीटर टाइम का बन रहा है और दोनों टाइम का करके 20 लीटर बन रहा है। तो अगर आप नॉर्मली बेचते हैं दूध तो 50 रुपये लीटर आसानी से बिक जाता है मार्केट में, बेचेंगे डेयरी में बेचेंगे। हो सकता है आपकी भैंसों का फेट ज़्यादा हो तो 50 से ऊपर भी आपको रेट मिल सकता है। फिर भी हम नॉर्मल जो देखते हैं हमारे एरिया के हिसाब से 50 रुपये लीटर आसानी से बिक जाएगा। और जो कीमत मैंने भैंसों की बताई है वो भी हमारे एरिया, हमारे क्षेत्र के अनुसार बताइए जो यहाँ पर अभी अवेलेबल है। हो सकता है आपके क्षेत्र में कम, थोड़े से कम हो या थोड़े और ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से आपको लेके चलना है। तो यहाँ जो मैंने कीमत बताई है ये हमारे जो आगर जिला है उस क्षेत्र के हिसाब से बताइए, एमपी के हिसाब से बताइए, पूरी एमपी, ओवरऑल एमपी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो आगर जिला है या जो आसपास का एरिया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये रेट चल रहे है। इस रेट में 80,000 के रेट में हमको 5 से 6 लीटर वाली आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं दूध की। तो आपका लगभग 20 लीटर एक दिन का दूध बन रहा है, क्योंकि एक भैंस अगर 5 लीटर टाइम का देगी तो दोनों टाइम का एक भैंस देगी 10 लीटर और दोनों भैंस का करके 20 लीटर दूध हो रहा है टाइम का। तो ऐसे करके आपका जो दूध का है, दूध सेल करते हैं 50 रुपये लीटर, तो उसका बन रहा है आपका 1,000 रुपये प्रतिदिन का। तो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपका लगभग 30,000 रुपये महीना दूध से कमाई आ रही है। अब बात करते हैं कि इनको खिलाना, दाना या फीडिंग का चाहे जो है, उसके बाद दोस्तों तो लगभग आपको आधा पैसा, एक टाइम के दूध का पैसा जो है आपको वो इनकी फीडिंग पे लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिटर्न मिलेगा। हर बिजनेस की यही ये होती है दोस्तों कि आपको हर बिजनेस में लगभग इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ऐसा बिजनेस है, कहीं आप दुकान खोलोगे दोस्तों तो उसमें क्या रहता है कि आपका सामान बिके नहीं बिके और ख़राब होने का चांसेस रहता है। पर भैंस का जो बिजनेस है या दूध का जो बिजनेस है, इसमें ऐसा है दोस्तों कि आप कभी भी भैंस बेचोगे तो वापस बिक जाएगी, चाहे वो लवारी हो, दूध देने वाली ताजी ब्याई हो, या फिर थाली हो, या लगेल हो, या कुछ भी गैबिन हो, या ऐसी हो डायरेक्ट, तो आप बेच सकते हैं। पर अदर बिजनेस में आपको रिस्क ज़्यादा रहता है, इसमें रिस्क कम है, खाली टाइम टाइम आपको टीकाकरण करवाना रहता है। तो दोस्तों, ये हो गई आपकी 1,000 रुपये दिन की कमाई और महीने की 30,000। तो लगभग आपको 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फीडिंग पे, जिसमें हरा चारा, गीला चारा। और दोस्तों, ये जो बिजनेस है या जो धंधा है दूध का, ये अधिकतर खेतीबाड़ी जिसके पास रहती है उसको ही ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि वहाँ पे जो गेहूं का भूसा वगैरह या सूखा चारा जो होता है वो आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी लागत के। उसके बाद दोस्तों,
खेती के साथ आप हरा चारा भी उगा सकते हैं, उसमें भी आपका पैसा बच जाता है। तो दोस्तों आप खेती के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें आपको बचत ज़्यादा दिखेगी। और वहीं अगर आप बिना खेती के डायरेक्ट बैकग्राउंड, आपकी खेती वाला बैकग्राउंड नहीं है और फिर भी करते हैं, तो इसमें आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। दोस्तों दो भैंसों पे मैंने बता दिया इन्वेस्टमेंट आपको आधा करना पड़ेगा, इसमें आपका खली भी आ गया, हरा चारा सूखा चारा भी आ गया, जिसमें आधे इन्वेस्टमेंट में आराम से होता। दो भैंसों के लिए आप अगर अलग से एक आदमी रखते हैं तो वो फिर आपको बचत और कम होती जाएगी दोस्तों। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दो भैंसों का रख रखाव तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लगभग अगर हम 30,000 रुपये महीने में से आधा काट दें तो 15,000 रुपये आसानी से आप महीने के इससे कमा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक और उसके बाद दोस्तों अगर आप इनके जो पाड़ा पाड़ी है, ये बड़े होंगे, ये ग्यारहवीं होंगे, तो उसका जो बोनस मिलेगा आपको, उसका जो प्राइस मिलेगी वो अलग से मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे करके आप इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और दो भैंसों से स्टार्ट करते हैं तो अगर कोई भी डेयरी फार्म स्टार्ट करता है तो मैं उसी को यही सलाह देता हूँ कि आप दो भैंसों से स्टार्ट करें, देखें पहले कि आप कर पा रहे हैं, आप इसका रखरखाव कर पा रहे हैं। और उससे अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप ज़्यादा भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं, और कमेंट करें कि अगला वीडियो तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक में हम बनाएंगे उसका भी आपको कमेंट में सुझाव देना है, ताकि हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए वो आपकी ही मनपसंद चॉइस से लाएं। दोस्तों ये भी हमारे पास कमेंट आया था कि आप दो भैंसों से कितनी कमाई है वो हमको बताएं पूरा डिटेल में, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया दोस्तों। पर ये जो बैकग्राउंड खेती का है तो उसमें आपको बचत ज़्यादा दिखेगी, और अगर आप बिना खेती के बैकग्राउंड के ये करते हो तो उसमें आपको बचत कम दिखेगी, उसमें मेहनत भी आपको अतिरिक्त करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है कि इसका जो गोबर होता है, गोबर भी खाद के काम में लिया जाता है, या फिर आप इसको भी सेल कर सकते हैं, या फिर इसका भी एक और ये है कि आप वर्मी कंपोस्ट करके सेल करेंगे तो उसका भी अच्छा पैसा मिलेगा। दोस्तों आपको तय करना है कि आपको खुद के खेती में खाद यूज़ करना है, क्योंकि खेती वालों को यह भी फायदा रहता है कि जो गोबर रहता है उनके खाद में वापस काम आ जाता है। तो यही फायदा होता है खेती वालों के बैकग्राउंड डेयरी फार्म करता है। अगर आपका बैकग्राउंड खेती से नहीं, आप नहीं करोगे तो आपको गोबर सेल करना पड़ेगा, वैसे गोबर सेल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। तो गोबर का जो है आपको भूसा का कोई दिक्कत नहीं, जो गोबर का भूसे में बराबर हो जाएगा और आपकी ऐसी बचत होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय रघुनाथ।